नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक छोटा सा गोला है। पृथ्वी की तरह और इससे भी आकार में 10 गुना बड़े ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक पेन की डॉट की तरह छोटा है जिसमें कई देश, समुद्र, पहाड़, पेड़, न जाने क्या क्या मौजूद हैं और कैसी कैसी रहस्य दफन है। मतलब हमारी दृष्टि से पृथ्वी बहुत बड़ा है लेकिन ब्रह्मांड में पृथ्वी सिर्फ एक बिंदी की तरह छोटा है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड फिर कितना बड़ा होगा। खैर, पूरे ब्रह्मांड का तसव्वुर करने और उसके बारे में पूरा जानने में अभी तक साइंस भी असफल रहा है। ब्रह्मांड में बहुत से राज ऐसे हैं जिसका पता साइंस भी अभी तक नहीं लगा पाई है। इस वीडियो में हम आपको उसी ब्रह्मांड से जुड़े एक दूसरे चंद्रमा के बारे में बताएंगे। अभी तक तो हम एक ही चंद्रमा को देखते हैं जो पृथ्वी से साफ दिखता है, लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि धरती के पास एक दूसरा चंद्रमा भी है जो 2123 सालों से हमारी धरती के साथ साथ सूरज का चक्कर लगा रहा है। असल में ये आकार में छोटा है इसलिए दिखता नहीं। इसका व्यास 50 फीट है, यानी 3 बड़ी SUV कार की लंबाई के बराबर, जबकि हमारे चांद का व्यास 3474 किलोमीटर है। इस क्वासी मून का नाम है 2023 FW13। यह सूरज का चक्कर लगाते समय हमारी धरती से 1.40 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है, जबकि हमारा चांद 3.64 लाख किलोमीटर दूर है। दूसरे चांद को इस साल मार्च महीने में हवाई स्थित पैन स्टार्ट ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप ने देखा था। असल में यह एक एस्टेरॉयड है। इसकी पुष्टि हवाई स्थित कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और एरिजोन स्थित टेलीस्कोप ने की। इसके बाद इसे 1 अप्रैल को इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने आधिकारिक तौर पर इसे छोटे ग्रहों की लिस्ट में डाला। ये वो ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल में तो हैं लेकिन आकार में बेहद छोटे होते हैं। जब गणना की गई तो पता चला कि यह छोटा चंद्रमा हमारी धरती का चक्कर 100वीं ईसा पूर्व से लगा रहा है, यानी 2123 साल पहले से। अभी यह चंद्रमा करीब 1500 साल और हमारी धरती के चारों तरफ मौजूद रहेगा। हालांकि यह इकलौता क्वासी मून नहीं है जो हमारी धरती के आसपास मिला। इससे पहले 2016 में क्वासी सैटेलाइट मिला था जिसका नाम था कामोलेवा। यह भी हमारी धरती के साथ साथ सूरज का चक्कर लगा रहा था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है और वैज्ञानिक कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई खोजें की जा रही हैं। वैसे आप पूरे यूनिवर्स को कैसे देखते हैं और इस छोटे से चांद के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।